वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, डेट इज़ आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना था। सॉरी स्टूडेंट, मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। प्लीज़ उसे लाइक करना और ये वाला भी लाइक करना मत भूलना। तो हम लोग चलते हैं। आज मैं बताने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, मार्टिन लूथर किंग जी आर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद, कह रहा जो अथर है इस चैप्टर का, वो कंटिन्यू ब्लैक पीपल से कौन सी वर्क कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था। ऑप्शन ए है बी, बी है हैटर, सी है फेथ और डी है ज्वेलर। सो हमारा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो वो कह रहे थे कि ब्लैक जो पीपल है वो फेथ करना सीखे। सी इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2, इमैनिसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन गैप द नैरो। जो इमैनिसिपेशन है प्रोक्लेमिनेशन गैप नैरो, नैरो को वो क्या देता है। ऑप्शन ए है स्लेवरी, बी है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवर्स, सी है कैप्टिविटी और डी है डिस्पायर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डॉट 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 इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इंज्योर एंड ऑपरेशन। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है न्यू जर्सी एंड सी है मिसिसिपी और डी है चिगारो। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हो क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड एज वी टॉक वी मेक द प्लेस डैट वी सेल, कह रहा है कि वे हम लोग तो साथ में वर्क करते हैं और हम लोग साथ में प्लेस भी लेते हैं। सो हमारा ए ऑप्शन है ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, बी है ऑलवेज फाई, सी है ऑलवेज हेट पीपल, डी है ऑलवेज मार्च अहेड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑलवेज मार्च अहेड, डी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डॉट 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 इन 1964, कह रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग है वो बहुत ही छोटे उम्र में उन्होंने कौन सी प्राइस प्राप्त की थी इन 1964। ऑप्शन ए है बुकर प्राइस, बी है नोबेल प्राइस, सी है नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन, डी है इब्राहिम प्राइस फॉर अचीवमेंट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नोबेल प्राइज उन्होंने पाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जी आर लेट अस नॉट अलाउड इन द वैल्यू ऑफ, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर लेट अस नॉट वोलेंट इन द वैल्यू ऑफ। ऑप्शन ए है लिवरपूल, बी है डिस्पायर, सी है अलम्बामा और डी है होम। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी इज आवर करेक्ट आंसर, डिस्पायर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द अथर्ड एडवोकेट, जो कह रहा है जो अथर्ड है वो एडवोकेट है किस चीज़ का। ऑप्शन ए है नॉन वायलेंस स्ट्रगल, बी है वायलेंस स्ट्रगल, सी है बोथ द वे एंड डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, नॉन वायलेंस स्ट्रगल के लिए वो थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मार्टिन लूथर किंग जी आर वाज बर्न इन, कह रहा है कि जो अथर है हमारे चैप्टर के आई हैव अ ड्रीम, तो उसके राइटर किस सन में जन्म लिए थे। ऑप्शन ए है 1939, बी है 1929, सी है 1919 और डी है 1969। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1929। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जी आर वाज असामिनेटेड ऑन, कह रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग है वो असामिनेटेड किस दिन हुए। ऑप्शन ए है मार्च 4, बी है अप्रैल 4, सी है मई 4 और डी है दिसंबर 4। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 4, 4 अप्रैल को वो एसोसिएट हुए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द स्टेट ऑफ डॉट 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 इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस,
ये तो आप चैप्टर में पढ़े होंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टेक्सास, बी है न्यू जर्सी, सी है न्यूयॉर्क और डी है मिसिसिपी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिसिसिपी हो जाएगा। डी इज आवर करेक्ट आंसर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर बाय किंग ऑन, कह रहा है कि जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है वो स्पीच डिलीवर बाय किंग कौन से दिन और कौन से सन में। ऑप्शन ए है अगस्त 28, 1964, बी है जून 28, 1965, ऑप्शन सी है मई 28, 1953 और डी है अप्रैल 28, 1973। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अगस्त 28, 1963। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अमेरिका गैप द नेग्रो पीपल, कह रहा है जो अमेरिका है वो नेग्रो पीपल को क्या देता था। ऑप्शन ए है अ गुड चेक, बी है अ बैड चेक, सी है अ टॉन चेक और डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ बैड चेक। वो बहुत ही बैड चेक देता था क्योंकि वो भेदभाव करता था अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बाय द साइनिंग ऑफ द इमैन्सिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन। ऑप्शन है फुलफिल, बी है हाफ फुलफिल, सी है रिमाइंड अनफिल्ड एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिमाइंड अनफुलफिल्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, कह रहा है कि ओवरऑल देखा जाए तो नेग्रो वुड बी क्या था। ऑप्शन ई है गुड, बी है बेनिफिशियल, सी है फैटल, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फैटल है, फैटल इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द नेग्रोज मेड प्लीज डैट दे विल ऑलवेज, कह रहा है जो नेग्रो है वो प्लीज किस चीज के लिए हमेशा करता था। ऑप्शन ए है मार्च अहेड, बी है मार्च बैक, सी है मार्च स्लोली, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च अहेड, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट द वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कह रहा है कि जो किंग थे वो कितने टाइम रिपीट करते थे। ऑप्शन ए टू टाइम, ऑप्शन बी है थ्री टाइम, सी है फाइव टाइम और डी है सिक्स टाइम। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फाइव टाइम वो एक्चुअली कहते थे, रिपीट करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द वर्ड मोमेंटियस स्टैंड फॉर, कह रहा है जो चैप्टर में है द वर्ड मोमेंटियस स्टैंड फॉर वो किसके लिए स्टैंड करता था। ऑप्शन ए है फुलिसनेस का, बी है अग्रेसिव का, सी है वेरी इंपॉर्टेंट, डी है इम्पॉर्टेंट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेरी इंपॉर्टेंट के लिए वो स्टैंड करता था। आगे चलते हो क्वेश्चन नंबर 18 पे। दे हैड अ ड्रीम डैट वन डे दे वुड, कह रहा है कि उनके पास जो सपना था वो क्या मतलब कहते थे कि एक दिन वो किस तरह अचीवमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है डिवाइड द नेशन, बी है किल द वाइट पीपल, सी है गेट देयर राइट, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दे गेट टू गेट देयर राइट, सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। रेसियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, कह रहा है जो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन है वो किस चीज़ के लिए अगेंस्ट करता था। ऑप्शन ए है कैपिटलिज्म का, बी है पावर का, सी है सेकुलरिज्म का, डी है ह्यूमन राइट का। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमन राइट के लिए वो अगेंस्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, कह रहा है कि जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है वो किसने लिखा था। ऑप्शन ए है जर्मेनियन ग्रीक्स, बी है सीगा नोरियो, सी है मार्टिन लूथर किंग जेआर और डी है एच ई बी। तो आपको पता है कि ये चैप्टर लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जेआर, मार्टिन लूथर जो थे वही ये चैप्टर लिखे थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मार्टिन लूथर किंग जेआर हैज रिटन द लेसन, सेम रिपीट किया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कह रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग है वो कौन से चैप्टर लेसन लिखे थे। ऑप्शन ए है द आर्टिस्ट, बी है आई हैव अ ड्रीम, सी है अ पिंच ऑफ स्नफ, डी है भारत इज माई होम। सो करेक्ट आंसर इज बी, आई हैव अ ड्रीम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आई हैव ड्रीम इज द पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई, वो सेम क्वेश्चन पूछा है कि आई हैव अ ड्रीम है वो स्पीच किसने डिलीवर किया है। ए है बैट्रियार्ड वेसल का, बी है सीगर नोरियो का, सी है मार्टिन लूथर किंग जी आर, डी है एच ई बी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मार्टिन लूथर किंग जी आर बिलोंग्स टू, जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है चाइना और डी है यूएसए। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यूएसए से करते थे बिलोंग्स। आगे चलते हो क्वेश्चन नंबर 24 पे। द कोऑर्डिनेशन ऑफ डॉट 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 वाज अपेलिंग, जो कंडीशन है, सॉरी स्टूडेंट, द कंडीशन ऑफ द डॉट डॉट वाज अपेलिंग, कह रहा है जो कंडीशन है वो किस लिए अपेलिंग करता था। ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है नेग्रोस, सी है इंडियंस, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेग्रोस के लिए होता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। डॉट 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 इज ए स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है टेक्सास, सी है चैगियोस और डी है मिसिसिपी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। डॉट 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 वाज अ ग्रेट ओरेटर, कह रहा है कि कौन है जो ग्रेट ओरेटर थे। ऑप्शन है अपील्स एंड बॉक, बी है सीगा नोरियो, सी है मार्टिन लूथर किंग जी आर, डी है जर्मेन ग्रेवर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए मार्टिन लूथर जी आर, मार्टिन जी हैं वो ग्रेट ओरेटर थे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जी आर वास, कह रहा है कि जो अथर है मार्टिन लूथर किंग वो क्या थे। ऑप्शन ए है नेग्रो, बी है जर्मन, सी है फ्रेंच, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेग्रो थे वो। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जी आर इन, कह रहा है कि जो नोबेल प्राइज उन्होंने जीता था मार्टिन लूथर वो किस सन में जीता था। ऑप्शन ए 1963 पे, बी है 1964 पे, सी है 1965 पे और डी है 1966 पे। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1964 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। नेग्रोस आर द फार्मर डॉट 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 ऑफ अमेरिका, कह रहा है जो नेग्रोस है वो फार्मर है किस चीज, अमेरिका के किस चीज़ के लिए। ऑप्शन ए है फार्मर, बी है ट्रेडल, सी है स्लैब्स और डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्लैब्स के लिए था। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। डॉट 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 इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यूएसए का जो स्टेट है डिजर्ट वो कहाँ पे है। ऑप्शन ए मिसिसिपी, बी है अलबामा, सी है जियोरिया और डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इज आवर करेक्ट आंसर, 30 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जी आर हैड डॉट 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 चिल्ड्रेन, जो मार्टिन लूथर किंग हैं उनके कितने चिल्ड्रेन थे। ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है टू, सी है थ्री और डी है फोर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फोर चिल्ड्रेन थे उनके पास। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। डॉट 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 एडवोकेट एंड नॉन वायलेंस स्ट्रगल, ऑप्शन ए है पील्स एंड बॉक, बी है एच ई बीट्स, सी है मार्टिन लूथर किंग जी आर और डी है सीगा नेग्रो। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जे आर लव द वाइट, कह रहा है कि मार्टिन लूथर है वो लव करते थे वाइट, कहाँ के पर्सन के। ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है यूएसए, सी है यूरोप और डी है अमेरिका। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी इज आवर करेक्ट आंसर, डी अमेरिका के थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 पे। मार्टिन लूथर किंग जीयर वास, कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग है वो क्या थे। ऑप्शन ए है आर्टिस्ट, बी है सिविल राइट एक्टिवेटर्स, सी है साइंटिस्ट, डी है फिलोसफर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिविल राइट एक्टिवेटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जी आर डिलीवर हिज स्पीच इन द वाशिंगटन डीसी ऑन नोवेस, कह रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग थे वो अपने स्पीच वाशिंगटन डीसी कितने अगस्त में किए थे और कौन से सन में किए थे। ऑप्शन ए 25 1963, बी है 28 1963, सी है 12 1964 और डी है 28 1965। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 18 1963।
क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जी आर डिसलाइक डॉट डिस्क्रिमिनेशन, कह रहा है कि मार्टिन लूथर जो किंग थे वो डिसलाइक किसके में भेदभाव करते थे। ऑप्शन ए है कास्ट, बी है सेक्स, सी है रिलीजन, डी है रेसियल। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसियल। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर बाय, कह रहा है जो आई हैव अ ड्रीम है स्पीच वो किसके द्वारा डिलीवर किया गया था। ऑप्शन ए है जर्मेनिक ग्रीक, बी है सीगर नोरियो, सी है एचिबिट्स और डी है मार्टिन लूथर किंग जेआर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मार्टिन लूथर किंग जेआर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिफाई इज, कह रहा है जो बैंक ऑफ जस्टिफाइड है वो क्या कहना चाहते थे। ऑप्शन ए है बैंक्रप्ट, बी है हाईवे, सी है स्ट्रगल्ड, डी है स्ट्रगल्ड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बैंक्रप्ट। क्वेश्चन नंबर 39 और ये लास्ट है। स्टूडेंट डॉट 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 वॉज गिवेन बाई द नेग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशियंट फंड। ऑप्शन ए है यूरोप, बी है कनाडा, सी है अमेरिका, डी है मैक्सिको। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो के जो पीपल थे वो बहुत ही भेदभाव करते थे, नेग्रो पीपल को बैड चेक देते थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।